गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चट्टानों और खनिज के बारे में जानेंगे। पृथ्वी ज्यादातर पत्थरों या चट्टानों से ही बनी है। हमें लगभग हर जगह पत्थर मिल जाएंगे। चारों ओर कंकड़ पत्थर हैं। अपने इर्द गिर्द हमें बस पत्थर ही नजर आते हैं। पत्थर कई तरह के होते हैं और अलग अलग रंगों के भी। आइए अब अलग तरह के पत्थरों को जान लेते हैं। ग्रेनाइट एक कठोर पत्थर है। इसका इस्तेमाल मूर्तियां और जमीन के टाइल्स बनाने में होता है। ग्रेनाइट कई रंगों में मिलते हैं, जैसे सफेद, ग्रे, काले, गुलाबी आदि। आप कभी आगरा का ताज महल देखने गए हैं? आपको पता है वो सफेद पत्थर यानी मार्बल का बना है। मार्बल भी कठोर पत्थर है। इसका इस्तेमाल मूर्तियां, इमारतें और फर्श बनाने में होता है। एक और मशहूर इमारत है दिल्ली का लाल किला। वो सैंडस्टोन से बना है। सैंडस्टोन भी कठोर पत्थर है, पर वो ग्रेनाइट या मार्बल जितना कठोर नहीं है। सैंडस्टोन गुलाबी, पीले, भूरे और लाल रंग के होते हैं। सभी पत्थर कठोर नहीं होते, कुछ मृदु पत्थर भी होते हैं। कोयला जलाने के काम आने वाला एक मृदु पत्थर है। इसका इस्तेमाल ईंट और सीमेंट बनाने में होता है। इसका इस्तेमाल ब्लैकबोर्ड और स्लेट पर लिखने में भी करते हैं। पता है, ब्लैकबोर्ड भी स्लेट नाम के मृदु पत्थर से बनाया जाता है। वो ग्रे रंग का होता है और उसे आसानी से चपटा किया जा सकता है। उसका इस्तेमाल ब्लैकबोर्ड, स्लेट या घर की छत बनाने में होता है। और सभी पत्थर खनिज से ही बनते हैं। खनिज अलग रंगों, आकार और बनावट के होते हैं। हम खनिज का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते हैं, जैसे कि कील लोहे से बने होते हैं, शीशा सिलिका खनिज से बना होता है, फूलदान चाइना क्ले से बनाए जाते हैं, हम जो टेलकम पाउडर लगाते हैं वो खनिज से बनता है, चमकदार रत्न जैसे हीरा, लाल रंग की रूबी, हरे रंग का पन्ना, नीले रंग का नीलम, जिनका इस्तेमाल खूबसूरत गहने बनाने में होता है, वो दरअसल पत्थरों में पाए जाने वाले खनिज ही हैं। पर उन्हें चमकदार बनाने से पहले काटा जाता है, आकार देते हैं और पॉलिश करते हैं, तब जाकर हमें चमकदार रत्न मिल पाते हैं। पता है, हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। पत्थरों और खनिज के बारे में इतना ही। बाय बाय बच्चों।